एक तरफ नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है तो दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पोस्टरबाजी के साथ राजनीति सक्रिय हो रही है। मुंबई के वर्ली इलाके में जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, मौजूदा समय की बात करें तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे यहां से स्थानीय विधायक है। पिछले कई सालों से शिवसेना के उम्मीदवार ही इस सीट से लगातार जीतते आ रही है। ऐसे में जब शिवसेना दो गुटों में बंट गई है तो राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका पूरा गुट ठाकरे परिवार के गढ़ में घुसकर लोगों के बीच अपनी हिंदुत्व की पहचान बनाना चाहते हैं। दही हांडी में बीजेपी ने आदित्य ठाकरे के इलाके में सबसे बड़ा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। अब शिंदे गुट आदित्य ठाकरे के गढ़ में अपनी राजनीतिक संपर्क साध रहा है। मुंबई के वर्ली इलाके में आदित्य ठाकरे के पोस्टर इस बार सिर्फ नाम मात्र के दिखाई दे रहे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के बड़े बड़े पोस्टर जगह जगह लगे हैं ताकि आने जाने वाले लोग और स्थानीय लोगों को आकर्षित किया जाए। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।